तो वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओपेरा टच एप्लीकेशन के बारे में। एक सिंपल सा मिनिमल सा ब्राउज़र एप्लीकेशन है और काफ़ी मिनिमल लुक के साथ आता है, तो इस तरीके से आप मतलब ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे आप इस ब्राउज़र को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे आपके सामने इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐड ब्लॉकिंग के ऊपर क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आपको जो इसके अंदर ऐड ब्लॉकिंग का भी सिस्टम आपको इसके अंदर देखना है, जैसे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग प्रोटेक्शन वगैरह आप इसके अंदर देख सकते हो। यहाँ पर ब्लॉक फिस डायलॉग वगैरह आप ऐसे कर सकते हो, एटमिक्ट ऑक्सीड फोटो वगैरह आप ऐसे कर सकते हो, जैसे वॉलपेपर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। किसी वॉलपेपर का आपको सेलेक्ट करना था, यहाँ पर आता हाउ टू लाइक करने वीडियो ब्राउजर वगैरह आप ऐसे कर सकते हो, स्टार्ट ब्राउजर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने काफ़ी मिनिमल सा लुक के साथ एक मतलब वो पेरा ब्राउजर एप्लीकेशन आता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप सिंपली जो भी सर्च वगैरह कर सकते हो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको तो कुछ इस तरीके से आपको जैसे QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पर माइक्रोफोन का ऑप्शन आता है, मतलब जो नॉर्मली एप्लीकेशन होते हैं उस तरीके से आप इन्हें यूज़ करते हैं। यहाँ पर टैब्स का ऑप्शन आते हैं, तो आपके सामने कुछ टैब्स वगैरह होंगे तो आपके ब्राउज़र में आप इसे शो हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ये हिस्ट्री का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर माई फ्लो यानी जो मतलब कंप्यूटर के अंदर आपको अगर कोई फाइल वगैरह आपको ट्रांसफ़र करनी है या फिर कुछ मगर इस तरीके से ट्रांसफ़र वगैरह करनी तो उसके लिए एप्लीकेशन काम आता है, उसके लिए कनेक्ट कंप्यूटर वगैरह काम आता है, जो माई फ्लो का ऑप्शन होता है। फिर उसके बाद मतलब नॉर्मल सा एक मिनिमल सा ब्राउज़र होता है, मतलब 9 MB का एप्लीकेशन अगर आपके फ़ोन के अंदर उतनी रैम नहीं है जो क्रोम जैसे एप्लीकेशन को मतलब हैंडल कर सकते हो आपका, तो आप इस ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हो। बात करते हैं किस तरीके से एप्लीकेशन डाउनलोड करने, तो डाउनलोड करने की लिंक मैंने पिन कमेंट में दे रही है। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दोनों यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जो है ऑल पे सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद अनलॉक लिंक के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो।